बोली सकल सुर सादर लीले सबई जथो चित आसन दीने बेदी बेद विधान सवाई सुभग सुमंगल गावही नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए गए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। सिंहासनुति दिव्य सुहापा जाइन वरनी विरंति बनावा बैठे शिव विपुरन श्री नाऊ तदय सुमरि निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनीसन उमा बुलाई कर सिंगार सखी ले आई राम सिया राम जय जय राम। देखत रूप सकल सुर मोहे बरनी छवि अस जग कभी को हे राम सिया राम जय जय राम। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया, सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा सुरई मरई मन कीन प्रणामा राम सिया राम जय जय राम। सुंदर तामर जाद भवानी जाय न को तेहु बदन बखानी राम सिया राम जय जय राम। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी की सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, वो अत्यंत सुंदर है। कोटि बदन नहीं बने बरनत जग जननी शोभा महा सकुच कहत श्रुति शेष शारद मंद मति तुलसी कहा या पति राम जय जय राम। छबि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहां अवलोकी सकहि न सकुच पदी पद कमल मनु मधुकर तहा। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते हुए नहीं बनता है। वेद शेष जी और सरस्वती जी उसे कहते हुए सब कुछ आ जाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है, यानी तुलसी दास जी की क्या बिसात है कि उनकी सुंदरता का वर्णन करें। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी कौसुनि संसे करे जनी सूर्यनाथ किए जानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती जी की संतान है, अभी विवाह से पूर्व कहाँ आ गए हो, हम ये ना सोचे तो सबसे पहले यहाँ पर भी गणेश जी का पूजन किया गया है, यानी शिव और पार्वती के विवाह से पहले भी गणेश जी का पूजन किया गया है। जैसी विवाह के विधि श्रुति गाई महामुनि तो सब
विवाह की रीति कही गई है। महामुनियों वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर के कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पान ग्रहण जब कीन महेशा हरते तब सकल सुरे ताराम सिया राम सिया राम जय जय राम। वेद मंत्र मुनि बरुच रही जय 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 शंकर सुर करही। जब महेश्वर यानी शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब इंद्रादि सभी देवता हृदय में बड़े हर्षित हुए प्रसन्न हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।